गुरुजी अगला प्रश्न है जतिन राजपूत रुहेला। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मुझे क्रियाएं होती हैं इसलिए ध्यान नहीं हो पाता और मुझे एक आकृति दिखती है जो चौकोर है जो मुझे लगता है वो बुरी शक्ति है। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, मेरा रिक्वेस्ट है ये क्रियाएं ना हो, धन्यवाद। जी आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और मैंने भी पहले भी संदेश में लिखा था कि मैं लाइव आऊँगा तो साधक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसमें क्या गलती हुई? दूसरे लाइव के समय भी मैं कह रहा हूँ कि साधक प्रश्न कर सकते हैं, तो गलती का विषय नहीं, ये तो आपका अधिकार है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं बिल्कुल पूछिए। हाँ, आपने कहा कि क्रियाएं हो रही हैं। देखो, मैं सदैव शिविर में या अपने पुस्तकों में और साधकों को बताता ही रहता हूँ क्रियाएँ नहीं होना चाहिए। क्रियाएं होना एक गलत होता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो साधना के लिए अच्छी हैं और वो उसकी योग्यता दिखाती हैं, लेकिन ऊटपटांग की क्रियाएं होना गलत है और ये कारण होता है प्राण का शुद्ध ना होना। और अपने यानी गुरु का कर्तव्य है कि ऐसी क्रियाएं ना होने दे और गुरु को और अपने शिष्य को बताए कि इन क्रियाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले है कि अपने आप को शुद्ध बनाओ। शुद्ध कैसे? प्राणायाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा और त्राटक के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, भोजन के द्वारा आदि। यानी प्राणायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए और सात्विक भोजन ही कीजिए। तला हुआ, मसालेदार ऐसा भोजन ना करें, मार्केट का भोजन ना करें। जहाँ तक हो सके आप घर का खाना खाएं, बाहर के खाने से बचिए, क्योंकि जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो उनके संस्कार आपके शरीर के अंदर आएंगे यानी चित्त पर विद्यमान होंगे, वो एक अशुद्धता के रूप में होता है। त्राटक का भी थोड़ा अभ्यास कर लें, उससे भी मन यानी अपनी जगह पर स्थिर होता है। जब मन स्थिर होगा तो उससे धीरे धीरे ये शुद्धता भी बढ़ती है, मन का स्थिर होना, गहराई पे जाएंगे। जब मन गहरा लगेगा तो क्रियाएं हल्का सा रोकने में सहयोग होगा। कुल मिलाकर के आप शुद्ध होने के लिए प्रयास रखिए और शुद्ध होने के लिए एक और एक मंत्र है, वो है ओम। ओम का लयबद्ध तरीके से उच्चारण करिए, उससे भी शुद्धता होती है। सही बताऊं तो प्राणायाम और मंत्र बहुत प्रभावी होते हैं और भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि आपका भोजन कैसा है। चलो कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहिए, कोशिश करें, संकल्प करें कि हमें क्रियाएं ना हों। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि आप मेरे शिविर में तो आए नहीं होंगे, क्योंकि मैं शिविर में किसी को क्रियाएं होने नहीं देता हूँ। इसलिए आप अपने घर में ही कोशिश करें कि वो क्रियाएँ ना हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करें। यानी कुल मिलाकर के आपको ये करना कि क्रियाएं ना हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।